नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि हब यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो छोड़कर जाते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जनपद में अनुदान पर सोलर पंप कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आप सभी को पता है कि कृषि हब यूट्यूब चैनल पे पीएम कुसुम योजना के बारे में मैंने आपको एक एक जानकारी दे रखी है, वो भी पूरा डिटेल में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको सोलर पंप लगवाना है, ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा, उसको जाइए चेकआउट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और आपको मैंने पूरा अच्छे से ऑफिशियल अपडेट दी है कि कैसे आपको ये लेना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मैंने खोला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के जो एक जिला है महाराजगंज, वहाँ के DM ने ये पोस्ट किया है, और CMO ऑफिस, ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ का जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे भी आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्विटर हैंडल पे है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 घंटे की ये पोस्ट है, और जो मैंने वीडियो में इसके पहले बताया थी जो भी चीज़ें, वो इसमें पूरी की पूरी बताई गई हैं। जैसा कि मैं इस पोस्टर को अगर मैं ओपन करता हूँ, तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, पात्रता शर्तें, ठीक है, कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, कितने HP तक का आपको सोलर पंप लगवाना है, कितना पैसा देना पड़ेगा, और कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, और कौन से मंडल वाइज हो रहा है कि जिला वाइज हो रहा है, सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। और इसमें मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि पहले आओ पहले सोलर पंप आओ, ये योजना चलती है, जो कि अभी UP में फिलहाल चल रही है। अगर आप किसी भी राज्य के किसान हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके राज्य में ये योजना चल रही है कि नहीं चल रही है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पर यह योजना चलाई जाती है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, आपके राज्य में भी यह स्कीम जरूर चलाई जाएगी। आप लोग अपने ब्लॉग पर पता करते रहिएगा, ठीक है, और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी भी फ्रॉड स्कैम में नहीं पड़ना है। मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं, और कहीं भी आपको कोई भी पैसे मांगता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, ठीक है, पीएम कुसुम योजना अंतर्गत अनुदान पर सोलर पंप पाने का स्वर्णिम अवसर, दिनांक 23/6/2022 यानी कि 23 जून 2022 प्रातः 11 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक, यानी कि यह योजना स्टार्ट हो चुका है 23 जून 2022 से और 11 बजे से, ठीक है, और लक्ष्य पूरा होने तक यह योजना चलेगी। नीचे के साइड में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि 23/6/2022 से लखनऊ, अलीगढ़, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, विंध्याचल मंडल के समस्त जनपद, ये जितने भी मंडल इसमें बताए गए हैं, उस मंडल के सभी जनपद में 23 जून 2022 से यह योजना स्टार्ट हो गई है, और 24 जून 2022 से झांसी, बस्ती, आजमगढ़, बरेली, देवीपाटन, चित्रकूट, इन सभी मंडलों के सभी जनपद में 24 जून 2022 से योजना स्टार्ट हो गई है। वहीं 25 जून 2022 से आगरा मंडल, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, गोरखपुर के मंडल के जितने भी जनपद हैं, ठीक है, उन सभी जनपदों में योजना स्टार्ट हो गई है। तो 23 जून, 24 जून और 25 जून में ये सारे अलग अलग मंडल दर्शाए गए, और उस मंडल में जितने भी जनपद हैं, जिले हैं, उसमें योजना स्टार्ट हो गई है। तो आप अपने जिला पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्लॉक पर जाइए, वहाँ पर जो कृषि अधिकारी हैं, फिर जिला स्तर पर जाइए, वहाँ पर जो कृषि अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क करके यह इस योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं कि कैसे आपको धनराशि देने हैं, कितना अनुदान मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, और कैसे इसके लिए आवेदन करना है, आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन घंटे को प्रेस करके रखिएगा आगे आने वाली अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोलर पंप का प्रकार, किस किस प्रकार के सोलर पंप आपको मिलते हैं। दूसरे उसमें लिस्ट में है कि सोलर पंप का निर्धारित मूल्य क्या है, राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है, केंद्र सरकार कितना अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, और कुल अनुदान राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलाकर कुल अनुदान कितना होता है, और कृषक अंश आपको कितने रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, जो कि इस लिस्ट में दर्शाया गया है। जैसे कि 2 HP का अगर आप लोग सोलर पंप मोटर लेते हैं, 2 HP PDC, ठीक है, सरफेस मोटर लेते हैं, तो 1,44,526 रुपये टोटल इसकी मूल्य है, ठीक है, और राज्य सरकार इसमें से 43,358 रुपये देती है, केंद्र सरकार 43,358, यानी कि सेम यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार 50-50% यहाँ पर सब्सिडी देती है, ठीक है, इतने का कुछ परसेंट देती है, 50-50 नहीं, लेकिन ये दोनों सेम देते हैं, ठीक है, और दोनों को मिलाकर 86,716 रुपये, यानी कि 1,44,526
में से 86,716 का आपको अनुदान यानी कि सब्सिडी मिल जाएगा, जो कि आपका अप्रॉक्स हो जाता है 80% या फिर 60-70% ऐसे हो जाता है, आप लोग निकाल लीजिएगा ठीक है। और इतनी राशि 57,810 रुपये आपको देने पड़ेंगे जो कि 2 HP के मोटर के लिए है ठीक है। 2 HP के मोटर के लिए यहाँ पर फिर दिया गया है, अगर आप समरसेबुल लगवाना चाहते हैं 2 HP का तो आप लगवा सकते हैं, इसका अलग प्राइस है। 3 HP का भी है समरसेबुल का, 3 HP समरसेबुल ठीक है। 5 HP का मोटर लगवाना चाहते हैं, 7.5 HP का लगवाना चाहते हैं, 10 HP का लगवाना चाहते हैं, तो ये सारा रेट यहाँ पे दे रखा है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितना सब्सिडी देगी वो भी दे रखा है, और आपको कितने रुपए यहाँ पे देने होंगे वो भी सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं बाद में भी ठीक है, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से किसान इसके लिए पात्र हैं और इसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं, कहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया है कि योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.upagriculture.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहां पे आपको पंजीकरण करना है ठीक है। ये पंजीकरण अनिवार्य है, अगर आप पंजीकरण नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपका यहां पे जो भी सब्सिडी वगैरह है, जो भी स्कीम है, उसका फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे ठीक है। तो आपको अनिवार्य रूप से इसका पंजीकरण कराना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दूसरे में बताया गया कि कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200% तक सबसे पहले जो आएगा और सबसे पहले वही पाएगा, इस सिद्धांत के अनुसार पर किया जाएगा, यानी कि पहले आओ पहले पाओ जो यहाँ पर योजना चल रही है उसके हिसाब से। तो यानी कि जल्द से जल्द आप लोग अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लें ठीक है, क्योंकि ये स्कीम है जो कि जो सबसे पहले आएगा और वही सबसे पहले पाएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट आपको जो दिख रहा है, इस पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करना होगा, लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए ठीक है। आगे बताएगा कि ऑनलाइन टोकन जनरेट होगा, जैसे बुकिंग कर लेंगे तो ऑनलाइन ही आपको एक टोकन जनरेट होगा मिलेगा ठीक है। उसके उपरांत कृषक को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि 1 सप्ताह के अंदर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी ठीक है, कोई सा भी हो लेकिन इंडियन बैंक की शाखा हो, उसमें आपको जो धनराशि आपको जो देनी है ठीक है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसके बाद जो बची धनराशि आपको देनी है 1 सप्ताह के अंदर ये जमा करानी होगी चालान के माध्यम से, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा ठीक है। आगे इसमें बताया गया कि 2 HP का अगर आप लेते हैं, 2 HP का अगर आप मोटर लेते हैं तो 4 इंच की यहाँ पे बोरिंग करानी पड़ेगी, अगर 3 और 5 HP का मोटर लेते हैं तो 6 इंच की बोरिंग करानी पड़ेगी, और 7.5 HP और 10 HP का अगर आपके पास मोटर है आप लेते हैं तो 8 इंच की बोरिंग कराना अनिवार्य है। और बोरिंग आपको जो बोरिंग होगा वो कृषक को स्वयं कराना होगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं कराई जाएगी, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और आगे बताया गया कि 22 फीट तक की गहराई के लिए 2 HP सरफेस आप यूज कर सकते हैं, 50 फीट तक की गहराई के लिए 2 HP समरसेबल यूज कर सकते हैं, 150 फीट की गहराई के लिए अगर आप बोरिंग कराना चाहते हैं तो 3 HP का आप यूज कर सकते हैं, 200 फीट तक की गहराई के लिए 5 HP का मोटर आप लोग यूज कर सकते हैं, 300 फीट की गहराई के लिए 7.5 HP का मोटर यूज कर सकते हैं, और 10 HP के सोलर पंप आपको उपयुक्त तो होते हैं ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि कितनी गहराई तक अगर आप लोग यहाँ पे बोरिंग कराते हैं तो किस हॉर्स पावर का मोटर आपको यहाँ पे चाहिए। बाकी यहाँ नीचे लिखा हुआ है जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं, मंत्री कृषि मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही, और बलदेव सिंह औखल राज्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री भी हैं, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश। तो इतना कुछ डिटेल में आपको सारी अपडेट यहाँ पे दे रखी है, आपको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, बता दिया कि आवश्यक शर्तें क्या हैं, पात्रता क्या है, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे टोकन जनरेट होंगे, कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप लोग वीडियोज़ में बार बार पूछते रहते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दीजिए, तो लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप लोग जाकर यहाँ से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद आपको यहाँ पर पैसे जमा करने होंगे, जो भी जमा करना है 1 सप्ताह के अंदर। सबसे पहले आप लोग अपने राज्य के जिस भी राज्य में, जैसे अगर आप यूपी राज्य में हैं तो आप अपने मंडल के जो भी जिस भी मंडल में रहते हैं उसके अपने जिले पे जाएं या फिर ब्लॉक पे जाएं, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पता कर लें और फिर वहाँ से अपना आवेदन वगैरह अच्छे से स्टार्ट करा लें, सहज जनसेवा केंद्र से बुकिंग वगैरह करा लें ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपनी आपकी क्या राय है और आपके राज्य में योजना चल रही है या फिर नहीं चल रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी किसान भाइयों में ताकि सबको फ़ायदा इसका मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।